टाइम पास के इरादे रखकर प्यार करने वालों, कभी ये सोचा है कि तुम्हारा भी टाइम निकलता जा रहा है? देखो, दो तरीके की प्यार होता है। एक तो पूरे शिद्दत के साथ आप प्यार करोगे उसको, और दूसरा वाला है कि सिर्फ वक्त को काटने वाला प्यार, सिर्फ टाइम पास। तो शिद्दत वाला प्यार में क्या होता है कि आप अगर उसके पास कुछ ना भी हो तब भी आप उसको उतना ही प्यार करोगे। और टाइम पास करने वाले प्यार में आपको उसके पास सब कुछ होना चाहिए। अगर उसके पास सब कुछ है तभी मैं उसको प्यार करूंगा, अगर उसके पास सब कुछ नहीं है, जो जो मैं चाहता हूं, तो मैं उसको प्यार नहीं करूंगा, उससे प्यार नहीं करूंगा। तो टाइम पास के याद रखकर कभी प्यार मत कीजिए। क्या होता है, देखिए एक प्रैक्टिकल वाली बात मैं आपसे करता हूं। अगर किसी भी लड़की आंखों में आंसू आपकी वजह से आए ना, तो उस आंसू की कीमत आपको ना बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। ये आप देख लो कि अगर लड़की अगर आपके लिए रोए ना, मतलब कोई भी आप ऐसा चीज उसको हॉट कर दे है, या फिर कोई भी ऐसा चीज आपने कर दी या फिर बोल दी जो चीज लड़की को बुरी लगी, और वो अगर आपके लिए रोए, तो उस आंसू की कीमत ना आपको मतलब बहुत भारी पड़ेगी, और उसको उस आंसू की कीमत आपको चुकाते चुकाते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा वे है कि अगर प्यार करते हो तो पूरे शिद्दत के साथ करो। अगर आपको प्यार करने नहीं है तो वेट फॉर द टाइम, आपको अच्छा मिलेगी, और वक्त आने पर भगवान आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से जरूर कुछ अच्छा देगी। और टाइम पास का अगर आप इरादे रखते हो तो आपका भी टाइम नुकसान होता है, और दूसरों का तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। उसका दिल टूट जाता है, उसका आंखों में आंसू बह जाते हैं, और बहुत कुछ चीज़ नुकसान हो जाती है। इसीलिए प्यार से दूसर करो, वरना वेट फॉर द गुड टाइम, भगवान आपको देगी, और मेरा यकीन मानिए सबसे बेहतर वाले देगी। धन्यवाद।